उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। इस समय रात और सुबह के समय ठीक ठाक ठंड होने लगी है, तो वहीं दीपावली के बाद अचानक से तापमान लुढ़कने से मौसम ठंडा होने लगा है। वहीं प्रदेश में ठंड शुरू होने के साथ ही अब कोहरा और धुंध का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध छाने से लेकर मध्यम से घना कोहरा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ जिले छोड़कर बाकी सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच ही बना हुआ है। अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। बता दें कि 5 नवंबर को पश्चिमी यूपी में सुबह के समय कहीं कहीं पर धुंध छाने की संभावनाएं जताई गई, तो वहीं पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसकी सतही दृश्यता 50 मीटर से 500 मीटर तक रह सकती है और फिलहाल इस अवधि में दोनों ही हिस्सों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। तो वहीं अगले दिन की बात करें तो 6 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन सुबह के समय पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर धुंध छाने और पूर्वी यूपी में छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं बात करें राजधानी की, तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक बात करें तो आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिल्ली के कल के तापमान की बात करें तो दिल्ली में कल का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कि दिन ब दिन दिल्ली का भी तापमान गिरता जा रहा है और लोगों को ठंड भी महसूस हो रही है। बता दें कि बीते 4 दिनों से दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। इन 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम हुआ है। न सिर्फ न्यूनतम बल्कि अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार अब आने वाले दिनों में तापमान के तेजी से गिरने की संभावना नहीं है। सर्दियों वाली ठंडी के लिए लोगों को 15 नवंबर के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। तापमान बीते 4 दिनों में भले 3 से 4 डिग्री कम हुआ है, लेकिन ये भी सामान्य से गर्म बना हुआ है। पालम में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में 29.3 डिग्री सेल्सियस, नरेला में 29 डिग्री सेल्सियस, मयूर विहार में 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान लोधी रोड में 15.4 डिग्री, रिज में 13.1 डिग्री, आयर नगर और गुरुग्राम में 15.9 डिग्री, नरेला में 16 डिग्री, नोएडा में 16 डिग्री और पूसा में 15.9 डिग्री रहा। बताते चले कि राजधानी में अलग अलग हिस्सों में तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तापमान बीते 4 दिनों में कम हुआ है, लेकिन सर्दियों की ठंड अभी तक नहीं आई है। इसके जल्दी आने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। नवंबर के पहले 5 दिनों में सामान्य न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास ही रहता है और ये नवंबर के अंत तक 10 से 11 डिग्री तक पहुंच जाता है। अभी हाल की बात करें तो अभी लोगों को सुबह सुबह थोड़ी ठंड महसूस होती है, लेकिन दोपहर होते होते गर्मी का एहसास भी होने लग जाता है। वहीं नवंबर में साल की सबसे कम महज 4 mm बारिश होती है, इसलिए सर्दियों की ठंडक तभी आती है जब उत्तरी पहाड़ों में भरपूर बारिश और बर्फबारी होती है। वहीं अगले 10 दिनों तक ऐसा होने के आसार फिलहाल नहीं है। इसी वजह से तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना भी नहीं है और अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।